रेडियम में ट्राई करेंगे, ठीक है। रेडियम में जस्ट टच ऑफ पेपर, ठीक है। इस पर अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ट्रे वन, ठीक है। ट्रे वन में अलग तरीके से, एक मिनट इसको हम लोग चेंज कर दें स्केप में, ठीक है। इसको उल्टा ले लेंगे, इसको एडजस्ट करना चाहिए जरूरी, नहीं तो नहीं होगा। इसमें ये हो गया, ओके, ये आ गया पूरा स्क्रीन में, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, टू साइड करेंगे, दोनों तरफ हमको करना है इसको। तो हम चले जाएंगे डुप्लेक्स में, इसमें वन साइड टू साइड, वन साइड है, सब कुछ है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसको फिर हम लोग टू साइड कर देंगे, ठीक है ना। इसको ओके, जस्ट सिंपल जो भी है टच स्क्रीन में हो जाता है। फिर स्टार्ट, ये चला गया, इसको देखिए वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये स्कैन हो गया, स्कैन होकर निकल गया ये चीज़, अभी मशीन में निकल रहा है सर, ये देखिए निकल चुका है, ये हो गया इसका चॉक्स, ठीक है। ये मॉडल है इसका 367, इसका स्पीड है 36 स्पीड पर मिनट, 36 पेज निकाल के देगा ये मशीन में। एरर डीप निकल गया, ये इसका टच डिस्प्ले है, ये इसका बाईपास है, ये इसका दोनों ट्रे हैं, जैसे कि हो गया ये हो गया एक ट्रे, दूसरा ट्रे नीचे है, इसमें आप A3, A4, लीगल जो भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से प्रिंट निकालेगा। ये इसका RADF है, इसको हटाएंगे तो हम ग्लास दिखेगा, अगर कोई भी जेरोक्स मारना है। अभी हम लोग बाईपास में टेस्ट करेंगे, ये तो हो गया डुप्लेक्स और RADF का दोनों हो गया इसका टेस्ट। अभी लोग हम लोग मारेंगे इसको सिंपल, एक जेरोक्स मारेंगे इसका बाईपास में, इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको हम लोग पेपर इसी भी डालेंगे, इसको हम लोग टेस्ट करेंगे ना, देखना पड़ेगा सर। आपके ट्रे में जैसा ऊपर जैसे पेपर रखेंगे उस केप में ही, यहाँ ट्रे में भी वैसा पेपर रहेगा, जैसे हम लोग लैंडस्केप में रखते हैं उसको ऐसे रखेंगे। सिंपल हम लोग कॉपी बटन में जाएंगे, इसका ट्रे चूज कर लेंगे, जैसे बाईपास में है, अभी बाईपास में हो गया कैंसल, ये सिंपल सामने से ही करना है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ा एक हमारा एक मिनट ना, ये स्टार्ट हो गया, हाँ कैंसल, ये थोड़ा आ गया, हो गया ठीक है, स्टार्ट कर लेंगे।